पिछले कल का दिन चंबा ज़िला के लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आया। हमारे कल कुल 4 मामले पॉजिटिव आए, इनमें से 3 मामले तो सुबह जो हमारी 30 तारीख की 305 सैंपल की रिपोर्ट्स थी उसमें से 3 मामले पॉजिटिव पाए गए थे। ये तीनों में से 2 जो है चुराग क्षेत्र के निवासी थे, मगर ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, तमिलनाडु से आए थे और अपने क्षेत्र में नहीं गए थे। एक व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी नहीं है मगर अपने रिश्तेदार से मिलने आया था, वो भी पेड क्वारंटीन में था। इन 3 लोगों को हमने कल दोपहर में अपने कोविड केयर सेंटर बालू आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया था। देर रात जो हमारे परसों के सैंपल 90 लगे थे उनकी रिपोर्ट आई और देर रात हमें ये पता लगा कि उसमें से भी एक 63 वर्ष की तिब्बती मूल की महिला जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। वो डलहौजी के पास एक इंस्टीट्यूशनल पेड क्वारंटीन फैसिलिटी में रखी गई थी। हालांकि इस महिला में कोई लक्षण नहीं है मगर चूंकि उम्र ज़्यादा है और वल्नरेबिलिटी ऐसी होती है तो इन्हें हमने बालू की बजाय जो हमारा सेकेंड लेवल की फैसिलिटी है DCHC डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी जो सरकार द्वारा चिन्हित है सिविल अस्पताल डलहौजी में कल रात देर रात हमने इन्हें वहाँ शिफ्ट कर लिया है। अभी ये सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं। अभी तक हम ज़िला में 4128 के करीब सैंपल ले बैठे हैं जिसमें से अब तक कुल 24 मामले पॉजिटिव आए थे। 11 व्यक्ति जो हैं वो अब नेगेटिव होकर स्वस्थ होकर अपने घरों में हैं और 13 हमारे पास एक्टिव केसेस हैं। 13 में से 7 लोगों के आज फॉलोअप सैंपल्स लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पॉजिटिव आए 10 दिन हो गए हैं और उनकी रिपोर्ट हमें कल तक उपलब्ध हो जाएगी। इसमें से जो वो चुराग तीसा क्षेत्र सलोनी क्षेत्र की 2 साल की बच्ची और उसकी माँ है उनके सैंपल भी शामिल हैं। मैं आशा करता हूँ कि कल इनमें से सब लोग नेगेटिव आ जाएँ और हम इन लोगों को स्वस्थ करके घर भेज पाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे ये आप जैसे डलहौजी में हॉस्पिटल में जैसे महिला को रखा जा रहा है कोरोना पॉजिटिव को ना जी, तो उसके बाद व्यवस्था में वहाँ क्या बदलाव हो रहा थोड़ा सा सर इसके बारे में? देखिए, वो चिन्हित कोविड हेल्थ फैसिलिटी थी, अब वहाँ पर पॉजिटिव मॉडरेट केसेस या जो है वो रखे जाएंगे या वल्नरेबल केसेस जिन लोगों में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ज़्यादा उम्र के लोग हैं और एसिम्प्टोमेटिक भी हैं उन लोगों को वहाँ रखा जाएगा। फिलहाल के लिए वहाँ जो सामान्य IPD सर्विसेज हैं जो इनडोर हैं वो अभी नहीं हम चलाएंगे और इमरजेंसी OPD और वो चलेगा। इस क्षेत्र की बाकी स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिए चुवाड़ी अस्पताल को भी थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी जा रहा हूँ डलहौजी और BMO SMO और SMO डलहौजी और चुवाड़ी के साथ मीटिंग कर हम इस पूरी इसके मद्देनज़र अपनी रणनीति को जो है वो सुदृढ़ करेंगे। इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, अब लॉकडाउन धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो हमें ये है कि हम एक तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिस का ध्यान रखें। बिना किसी बहुत सुदृढ़ वजह ना हो तो हम बाहर ना निकलें, कम निकलें, बिना वजह से यात्रा ना करें, एक दूसरे से कम 6 फुट 2 मीटर की दूरी बना कर रखें, जब बाहर हों तो फेस कवर का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अस्पताल भी अनावश्यक रूप से ना जाएं, जब जाएं, मैं अभी भी यहाँ के OPD ब्लॉक में अभी गया था तो वहाँ लोग फिर काफ़ी वो पूरे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। तो ये कानूनन तो ज़रूरत है मगर ये सबसे ज़्यादा हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और ये अपने आप को अपने परिवार को हम बचाएंगे तभी समाज को बचा पाएंगे। इसमें मेरा अनुरोध सभी से ये है कि इन चीज़ों की पालना स्वतः होनी चाहिए। इसके लिए कोई किसी को हम कहें या कोई और बीच में आकर कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस महामारी से बचने के बहुत बेसिक चीज़ें हैं ताकि एक दूसरे से संक्रमण ना हो। तो थे ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में और कुछ लोग जो बस में आए थे उनके ड्राइवर कंडक्टर का पहले भी सैंपल हो चुका था, परिवार से वो मिले नहीं थे, बाकी लोगों के सैंपल वहाँ पे नेगेटिव आए हैं जो उनके साथ थे। अब जो वहाँ पर क्वारंटीन में कुछ लोग जो वहाँ सर्विस दे रहे थे, खाना दे रहे थे, तो हम जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में उनके भी सैंपल ले रहे हैं।